हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनपीसी। माय नेम इज श्रुति एंड टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट गैस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, एक पैराग्राफ आपको गिवन है एंड इस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उसके आंसर्स आपको करना है। ओके, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, द मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टिविटी। ओके, मीन्स मटीरियल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, सेकेंड सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। ओके, एंड ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये शो करती है रेजिस्टिविटी को। ठीक है, ये जो कैटेगराइज किया हुआ है हमने, इज डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग आपने इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर वैल्यूज। ठीक है, मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें आपने कैटेगराइज किया हुआ है। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, मेटल्स में से करंट इजीली पास हो जाती है, तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी लो होती है। एंड इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। ओके, एंड एट द अदर एंड आर इंसुलेटर्स लाइक सेरेमिक, रबर एंड प्लास्टिक हैविंग रेजिस्टिविटीज 10⁻⁸ टाइम्स ग्रेटर देन मेटल। ठीक है, मीन्स इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ टाइम्स ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द मेटल्स। ओके, मीन्स रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो करंट का फ्लो इजीली हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, सेरेमिक, रबर एंड प्लास्टिक, दीज आर द नॉन कंडक्टिंग मटीरियल और वी कैन से इंसुलेटर। ठीक है, इनमें से करंट इजीली पास नहीं होती, इसीलिए हम इसे इंसुलेटर कहते हैं और इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इन बिटवीन दिस टू आर सेमी कंडक्टर। ठीक है, इन दोनों मटीरियल्स के बीच की जो कंडक्टर्स हैं उन्हें बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर्स। ओके, दिस हाउ एवर हैव रेजिस्टिविटी कैरेक्टराइस्टिकल डिक्रीजिंग विथ अ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी डिक्रीजेस बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज। ओके, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, कैन बी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, मीन्स ये मटीरियल्स में या कंडक्टर्स में चेंज हो सकते, कब, जब हम इनमें इम्प्योरिटीज मिलाएं और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तब। ठीक है, दिस लास्ट फीचर इज एक्सप्लॉयटेड इन यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मीन्स काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनमें सेमीकंडक्टर्स का हम यूज करते हैं। ओके, नाउ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रेजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और इन लेबोरेटरीज आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, वायर वाउंड रेजिस्टर्स एंड कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक, रेजिस्टेंस डोमेस्टिक एंड लेबोरेटरिक दोनों लेवल पर 2 इम्पॉर्टेंट मेजर टाइप्स के होते हैं, दैट इज वायर वाउंड रेजिस्टर एंड कार्बन रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज इन द इंक्रीजिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पर। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो जाएगा, 300 to 400 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली, मीन्स कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होगा और सिलिकॉन का रेजिस्टेंस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर इज अ मेटल। ठीक है, कॉपर इज अ मेटल, तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देन रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पर, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पर जो मेटल्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और लीनियरली इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मेटल्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, बट किस अमाउंट में, लीनियर अमाउंट में। ओके, एंड सिलिकॉन की बात करें, सो सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर के लिए अभी हमने पढ़ा था कि सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। ओके, सो आपका जो आंसर होगा सी, सी विल बी राइट, लीनियरली इंक्रीज फॉर कॉपर एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन बी यूज फॉर हीटिंग पर्पज इन इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर में हीटिंग पर्पज के लिए कौन सा मटीरियल आप यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली हीटिंग पर्पज के लिए हम निक्रोम यूज करेंगे। ठीक है, ये एक अलॉय है जो कि निकिल एंड क्रोमियम से बना होता है। ओके, सो निक्रोम इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई वर्सेस वी ग्राफ फॉर मटेरियल इज गिवन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. टू डिफरेंट आपको टेम्परेचर गिवन है. अब यहाँ पर बताना है कि टी वन इज इक्वल टू टी टू, ठीक है, या टी वन इज ग्रेटर देन या टी वन इज लेस देन, ठीक है. तो ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है इस ग्राफ के थ्रू, ठीक. ओके, तो देखो ग्राफ आपको दिया हुआ है वी वर्सेस आई का, मीन्स रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है. ये टेम्परेचर टी वन है और यहाँ टी टू है. ओके, अब देखो टी वन और टी टू, यहाँ वी की जो वैल्यू है, वी की जो वैल्यू है वो अगर टी वन के कंपेरिजन में देखें, सो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, ठीक है. टी वन इज ग्रेटर देन टी टू क्योंकि यहाँ पर वी जो है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू आर आई. ये हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में, t1 एंड t2 में जिसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा, ठीक है, जिसका पोटेंशियल ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस भी उसका हाई होगा, ठीक है. तो यहाँ पर t1 इज ग्रेटर देन t2, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इसका हाई है, पोटेंशियल इसका हाई है t1 का, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इसका ग्रेटर होगा. सो आपका आंसर होगा t1 इज ग्रेटर देन t2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम, ठीक है. मीन्स आर 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम दी हुई है, और 500 डिग्री टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम गिवन है. ओके, आपको बताना है 25 ओम पर, ठीक है, 25 ओम पर टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू. सो बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू 25 आपको यहाँ गिवन है, ये टेम्परेचर 25 ओम पर टेम्परेचर आपको बताना है, ठीक है, ये समझ में आया. अब हम इन दोनों वैल्यूज को लेकर चलेंगे, ठीक है. मीन्स R 20 पर 20 ओम है एंड R 500 पर 60 ओम है. ओके, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है R T इज इक्वल्स टू R नॉट मीन्स इनिशियली, ठीक है, इनिशियली रेजिस्टेंस, वन ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अल्फा टी माइनस टी जीरो टी नॉट, ठीक है. सो टी 500 माइनस टी 20 हो जाएगा यहाँ पर. ओके, 500 पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60 एंड 20 पर 20. ओके, सो वन प्लस अल्फा, 500 के लिए टेम्परेचर 500 ही है, 500 माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर. ओके, यहाँ 60 डिवाइडेड बाई 20 एंड 1 प्लस अल्फा इंटू 480. ओके, 500 माइनस 20, 480 हो जाएगा. सो यहाँ 3, ओके, 3 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 हो गया, अल्फा इंटू 480. ओके, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/480 और वी कैन से 1/240. ओके, अल्फा की वैल्यू आपके पास, अल्फा के वैल्यू आपके पास आई 1/1/240. ओके, ये वैल्यू आ गई अल्फा की. बस अल्फा की वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो इजीली आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है. आपने अब हम किसी भी टेम्परेचर को ले सकते हैं, हम 20 को लेते हैं, ठीक है. इनिशियली टेम्परेचर जो है आपका, वो आपको फाइंड करना है, टी आपको फाइंड करना है, ठीक है. सो आर टी आपको गिवन है 25 एंड आर 20 आपको गिवन है 20. बस इन दोनों में आपको इक्वेशन लगा दो, ठीक है. आर टी इज इक्वल्स टू आर 20 वन प्लस अल्फा एंड टी माइनस 20. ओके, आर टी की वैल्यू है 25. ओके, एंड दिस इज आर 20 इज 20 एंड देन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1/240 एंड दिस इज टी माइनस 20. ओके, तो 25 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1 एंड यहाँ इंटू 1/240. ओके, टी माइनस 20 कैलकुलेट करेंगे, सो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1 होगा, सो एलसीएम लेंगे, ठीक है. एंड ये हुआ 1/240 टी माइनस 20, ठीक है. अब यहाँ पर 5/20 हो जाएगा एंड डिवाइड इंटू 240 हो जाएगा, ठीक है. मीन्स 5 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू टी माइनस 20, ठीक है. अब कैंसिल आउट कर दो जो भी कैंसिल हो रहा है, सो 5 एंड 12 60 इज इक्वल्स टू टी माइनस 20, माइनस 20 प्लस हो जाएगा इस साइड, सो 60 प्लस 20 80 डिग्री, ठीक है. सो 80 डिग्री इज योर आंसर, डी इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अब देखो रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं एंड कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है. और इन दोनों में जो रिलेशन, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है. मीन्स 1/1/अल्फा, आर इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी, रो इज
रो इज इक्वल टू होता है 1 बाय सिग्मा, ठीक है। सो रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट इनका 1 होता है, तो नन ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके इन 1845 बाय जर्मन फिजिसिस्ट गस्टो किरचॉफ डिस्क्राइब किरचॉफ सर्किटल लॉ, ठीक है। किरचॉफ सर्किटल लॉ किरचॉफ्स ने डिस्क्राइब किया एंड विच आर टू इक्वालिटीज एंड डील विद द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द लम्प्ड एलिमेंट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उन्होंने टू इंपॉर्टेंट लॉज दिए, किरचॉफ्स टू लॉज, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने करंट का पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल एंड सेकेंड लूप रूल, ये टू इंपॉर्टेंट रूल्स किरचॉफ्स ने दिए और किरचॉफ्स के इन टू रूल्स के बेस पर, ठीक है, इन दोनों रूल्स के बेसिस पर जो एप्लीकेशंस आई है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ कंसीडर द सर्किट शोन बिलो विच इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स होते हैं R1, R2, R3, R4, ठीक है। और इनके डायगोनली ये इस तरह से अरेंज होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं और इस तरह से ब्रिज के थ्रू अरेंज होते हैं। और इसके जो डायगोनल है, AC डायगोनल पर आपने बैटरी ऐड की हुई है और सेकंड डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर ऐड किया है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि गैल्वेनोमीटर में एक स्पेशल केस ये होता है कि ये जो सर्किट है ये बैलेंस की कंडीशन तब फॉलो करता है जब गैल्वेनोमीटर में से करंट का जो फ्लो होता है वो जीरो होगा, यानी कि बी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मीन्स करंट जीरो। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है। ओके अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम नॉन रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर सी इज योर राइट आंसर। ओके सेकंड किरचॉफ जंक्शन रूल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, करंट है, ठीक है, करंट चार्जेस से मिलकर बना होता है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, डी इज योर आंसर। नेक्स्ट थ्री वायर्स मीट एट नोड एज गिवन फिगर द करंट इन द फोर्थ वायर में करंट का डायरेक्शन आपको बताना है और करंट की मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर फर्स्ट रूल जंक्शन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इनकमिंग करंट हो रहा है 4, ठीक है, इनकमिंग करंट क्या हो रहा है 4 एम्पियर, सो 4, और यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या हो रहा है 3, और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट यहाँ पर 1 है और यहाँ के लिए ये आउटगोइंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम I सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 4 + 3 = 7 एंड -1, सो I इज इक्वल टू 6, सो 6 एम्पियर इज योर आंसर एंड आउटगोइंग होगा, क्योंकि हमने इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों करंट को इक्वेट करना है बाय अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके नाउ नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट, सो D इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज एज द नल डिटेक्टर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में नल डिटेक्टर में जीरो वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, सो गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर सी इज योर आंसर। Now, the value of X when the Wheatstone Bridge network is balanced, if R1 is 500, R2 is 800, R3 is X plus 400 ohm and R4 is 1000 ohm, ठीक है, तो आपको X की value को find करना है, ठीक है। So, according to this diagram, इस diagram के according हमने Wheatstone Bridge का एक balanced condition में formula ये read किया है कि R2 divided by R4 is equals to R1 divided by R3. अब R2 की value, R4 की value क्या है, यहाँ पर given रख दीजिए, ठीक है। R2 की वैल्यू है 800, ठीक है, R4 इज 1000 एंड R1 इज 500 डिवाइडेड बाय X प्लस 400, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ओके 2 से 2 से 4 5, ओके यहाँ से 2500 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू X प्लस 400, यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 625 एंड 625 माइनस 400 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल, सो सी इज योर आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में असर्शन रीजन एंड MCQ डिस्कस करेंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।